जयपुर में होटल बार में शराब पीने के दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से वार कर दिया और यह घटना शिप्रापत थाना इलाके के रिको एरिया की है। पुलिस के मुताबिक रिको एरिया के एक होटल में चार दोस्त शराब पी रहे थे और अचानक देखते ही देखते चारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर होटल बार संचालक ने चारों को बाहर निकाल दिया और जैसे ही चारों बाहर आए तो विवाद ज्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते सत्तार और अंसार ने कैलाश मीणा पर चाकू से हमला बोल दिया। बीच बचाव करने पर दोनों आरोपियों ने उमेश पर भी चाकू से वार कर दिया और लहूलुहान अवस्था में भाई राहुल ने कैलाश मीणा और उमेश को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कैलाश की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस सूचना पर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश की, लेकिन सत्तार और अंसार फरार हैं। पुलिस के मुताबिक सत्तार और अंसार सांगनेर में कोहिनूर सिनेमा के पास रहते हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट और डकैती के मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। कल रात्रि करीब 10 बजे की बात है, इसमें दोनों पक्ष पहले से जानकार हैं, सांगनेर थाना इलाके के रहने वाले हैं, सांगनेर कस्बे के कोहिनूर सिनेमा के पास। फिर दूसरा पक्ष था राहुल और उमेश शर्मा, कोई बात पे ऊंची आवाज में बात करने लग गए थे। इनमें तूतू में बार वाले ने इनको समझाइश करके बाहर निकाल दिया, कोई झगड़ों में। फिर ये होटल झगड़ने लग गए और अचानक सत्तार ने कोई स्कूटी में इनके पास कुछ रखा था चाकू, में SMS में ऑपरेशन हुआ है और अभी स्टेबल है, डॉक्टर ने बताया है, अभी बयान देने की पोजीशन नहीं।